हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट आज वर्ड मीनिंग्स की क्लास, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट वो वर्ड मीनिंग्स जो आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्यों? क्योंकि इस वीडियो में वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं बताऊँगा वर्ड मीनिंग्स रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है? तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, आज का पहला वर्ड मेरे लेकर के आया हूँ आपके लिए, जिसे फर्वेंट, फर्वेंट। देखो, फर्वेंट का मीनिंग होता है उत्साही। ओके, अनकाउथ, नेक्स्ट वर्ड है अनकाउथ। अनकाउथ, देखो अनकाउथ का मीनिंग होता है ऐसा भी है। ऐसा भी है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक, देखो फ्लैगमेटिक का मीनिंग होता है एक तरह से उत्साहहीन। उत्साहहीन। नेक्स्ट नंबर फोर, अर्डेंट। अर्डेंट, उत्साही। अर्डेंट मीन्स उत्साही। नेक्स्ट फाइव, इंडिफरेंट। इंडिफरेंट, इंडिफरेंट मीन्स होता है उदासीन, राइट ना? इंडिफरेंट मीन्स उदासीन। तो देखो, मेरे फाइव वर्ड्स आपके लिए पर डे इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है? रिलेटेड ऑफ एसएससी से रिलेटेड ये वर्ड्स हैं और दीज वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी अदर एग्ज़ाम्स। ओके, एसएससी एज वेल एज टीचिंग एग्ज़ाम्स एज सी टेट, यूपी टेट, है ना, केवीएस एग्ज़ाम्स एट्सेट्रा। सो मैं इनको वर्ड बाई वर्ड इनको एक्सप्लेन करूँगा, आप प्लीज़ इन वर्ड्स को पूरा देखें, ठीक है? देखो, फर्वेंट का मीनिंग क्या होता है? उत्साही। उत्साही, देखो सबसे पहली बात क्या है, उत्साह से बना है। उत्साह मतलब क्या होता है? जील। जील एक तरह से नाउन है जिसका मीनिंग होता है उत्साह। उत्साह, उत्साह का मतलब एक तरह किसी वर्ड होता है एंथुसियास्टिक, ठीक है? नाम सुना है ना, एंथुसियास्टिक। लेकिन इसी से ना एक वर्ड बनेगा जिलस। जिलस, देखो यहाँ पे ध्यान दो, जिलस ये एक तरह से एडजेक्टिव बनेगा और इसका मीनिंग जो है ना वो सेम होगा उत्साही। इसका मीनिंग सेम होगा उत्साही, है ना? बना है किससे? जील से। जील का मीनिंग होता है उत्साह और यहाँ पर एडजेक्टिव है और जिलस मीन्स होता है उत्साही। मेरी बात, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, राइट? क्लियर, ठीक है। देखो अब यहाँ से क्या होगा, जनरली मैंने शायद कल आपको ये बताया था, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखना, ठीक है? उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जील के बाद जो प्रीपोजिशन आएगा वो इन एंड फोर आएगा, ठीक है? याद रहेगा। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे एंथुसियास्टिक एक वर्ड आ रहा है, एंथुसियास्टिक, ई एन टी एच यू एस आई एस टी आई सी। एंथुसियास्टिक का मीनिंग भी होता है उत्साह। उत्साह, ठीक है? एक तरह से ना जोए मतलब खुशी, हैप्पी जिसे कहते हैं ना आप, आनंद एक तरीके से, है ना? प्लेजर, प्लेजर, प्लेजर। तो प्लेजर का मीनिंग भी एक तरह से आनंद होता है, जॉय का मीनिंग भी आनंद होता है और एंथुसियास्टिक एक उत्साह होता है किसी भी काम को करने के लिए, एनर्जेटिक जिसे बोलते हैं, है ना? एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, है ना? किससे बना? एनर्जी से बना है, एनर्जी। और एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी का मीनिंग होता है उत्साह होना, ठीक है? मतलब काम को करने के लिए एक तरह से विगोरस, विगोरस का, विगोरस का मीनिंग होता है एक तरह से ऊर्जावान, ऊर्जा, है ना? उत्साही होना। मुझे उम्मीद है ये समझ में आपको अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है? नेक्स्ट,
अनकाउथ का मीनिंग होता है असभ्य, असभ्य हो गया, तो असभ्य के लिए अनसिविल वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे। अनसिविल, अनसिविल का मीनिंग होता है असभ्य, और सिविल का मीनिंग होता है सभ्य। सिविल का मीनिंग होता है सभ्य और अनसिविल का मीनिंग होता है असभ्य, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से ना आउट दिखाई दे रहा होगा आपको, आउट, ठीक है। आउट का मीनिंग बाहर, किसका ऑपोजिट है इनका, किसका ऑपोजिट है इनका, इन मीन्स आउट, इन मीन्स इनका ऑपोजिट क्या होगा, आउट होगा। इन मीन्स अंदर और आउट मीन्स बाहर, इसी से बनेगा एग्जिट। एग्जिट तो एग्जिट का मीनिंग होता है बाहर, ठीक है। और एक तरह से एंटर का मीनिंग, तो इन बोल दीजिएगा, इन, इन मीन्स अंदर, ओके, आउट मीन्स बाहर, एग्जिट, ई एक्स आई टी, ओके ना, एग्जिट, ई एक्स आई टी ई, एग्जिट, ओके। तो मेरे को ना थोड़ा कमेंट में आप भी बताएंगे कि इसकी स्पेलिंग इज राइट एंड रॉन्ग, एग्जिट, ई एक्स आई टी, है ना, ठीक है। यहाँ पे अन लगा करके ना उसका एंटोनियम बनाया, मतलब ओपोजिट बना दिया गया अन, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लैगमेटिक का मीनिंग होता है उत्साहहीन, उत्साहहीन, उत्साहहीन का मीनिंग ग्लूमी, सैड, अपसेट, अपसेट, अपसेट का मीनिंग उदास, सैड का मीनिंग दुखी, ग्लूमी का मीनिंग उदास एक तरीके से, ठीक है। और उत्साहहीन मतलब जिसके मतलब एनर्जी ना हो, मतलब एक तरह से जीलसी, ये जीलस लेस, सो आई कैन से हेयर, ओके। फ्लैगमेटिक, मैटिक, लैग तो पता होगा ना, बट फ्लैगमेट, मैट, यहाँ से मिल रहा है मैट, एम ए टी, मैट, मैट एक तरह से चटाई होता है, चटाई होता है। और एक मेट ये वाला होता है ना, ये वी की सेकेंड फॉर्म होता है, किसकी, मीट की, मीट की। और इसका मीनिंग होता है मिलना, इसका मीनिंग होता है मिलना, ये वर्ब है, ओके, वेरी गुड। सो अर्डेंट, अर्डेंट का मीनिंग होता है उत्साही। देखो ऊपर अर्डेंट आ चुका है, हालांकि वो मेरे को पहले एक्सप्लेन करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया, ठीक है। तो अर्डेंट मीन्स उत्साही होता है ना। देखो डैन, डैन एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है मांद, मांद, मांद का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जहाँ पर लायन रहते हैं या टाइगर, टाइगर रहते हैं ना, उस जगह को कहते हैं, डैन मीन्स मांद, ठीक है। नेक्स्ट इंडिफरेंट, उदासीन। देखो इंडिफरेंट के बाद जनरली आपको जो प्रीपोजिशन मिलेगा ना वो टू का इस्तेमाल करेंगे आप, इंडिफरेंट प्लस टू, ये बहुत आता है एग्ज़ाम में, एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिफरेंट के बाद प्रीपोजिशन क्या आएगा, या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंट, इंडिफरेंट का मीनिंग क्या होगा। तो आपको इंडिफरेंट के बाद प्रीपोजिशन ना जनरली टू देना है, ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है। तो इंडिफरेंट के बाद में टू, ये बना कहाँ से है, डिफरेंट से बना है, जैसे डिफरेंट, डिफरेंट, तो डिफरेंट, डिफरेंट का मीनिंग क्या होता है, भिन्न, और इनडिफरेंट टू क्या होता है, उदासीन। इनडिफरेंट टू का मीनिंग क्या होता है, उदासीन, और डिफरेंट का मीनिंग क्या होता है, भिन्न होता है, ओके। डिफरेंट का मीनिंग भिन्न और इनडिफरेंट का मीनिंग उदासीन होता है, मेरी बात समझ आ रही है ना, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ रही है ना, ठीक है। अब यहाँ से देखो, एक तो होता है डिफर, एक होता है डिफर, ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो जनरली एक तो होता है डिफर, ये वाला, ये वाला, तो ये डिफर होता है भिन्न, है ना, और एक डिफर होता है ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये भिन्न होता है, और ये होता है आदर, आदर। अब इस डिफर से तो ये बना है डिफरेंस, डिफरेंस, यहीं से बनेगा डिफरेंस, डिफरेंस बनेगा, और इसी से भी बनेगा डिफरेंस, डिफरेंस, ये भी नाउन है
और ये भी नाउन है, है ना। अब लेकिन ये होता है भिन्न, भिन्न होता है, ये होता है भिन्न, ओके। और ये होता है आदर, ये होता है आदर और ये होता है भिन्न। मुझे उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ओके। अगर ये वर्ड अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि अगर सेकेंड टाइम अगर देखेंगे जो कंसेप्ट रह गए ना, वो आपको ज़रूर अच्छे से समझ आएंगे। फिलहाल हम एग्जिट को एक बार क्लियर करते हैं, और मेरे को कमेंट में आप ज़रूर सेंड करना, ठीक है। ओके ना, तो देखो हमें कमेंट में आया है कि एग्जिट में ई नहीं आएगा लास्ट में, तो यहाँ से ना ई को डिलीट करना है, राइट। ईड एग्जिट को ई एक्स आई टी होगा, और एग्जिट की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो ई एक्स आई टी, यानी बाहर होना। देखो मेरे साथ एक बार इन वर्ड्स को दोबारा से रिवीजन करते वापस आएंगे। देखो फर्वेंट का मीनिंग उत्साह, उत्साही, उत्साही का मतलब क्या होता है? जिल, जिल का मीनिंग होता है नाउन है, उत्साह है। शायद कल की मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ठीक है, वो नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखना। जिलस का मतलब होता है एडजेक्टिव। अनकाउत का मीनिंग होता है ऐसा भी, यानी अनसिविल। फ्लैगमेटिक का मीनिंग होता है उत्साहहीन, यानी कि जॉयलेस, ठीक है, या ग्लूमी, सैड, अपसेट। अर्डेंट का मीनिंग होता है उत्साही, या इंडिफरेंट का मीनिंग होता है उदासीन। डेन मीन्स होता है मांद, इंडिफरेंट के बाद प्रीपोजिशन हमेशा टू आएगा, उदासीन। डिफरेंट का मीनिंग भिन्न होता है, और जिल उत्साह, जिलस एडजेक्टिव है। एंथुजियास्टिक उत्साही, जॉय आनंद, प्लेजर आनंद। एनर्जेटिक एनर्जी, विगोरस एक तरीके से ऊर्जावान होता है। आउट अनसिविल ऐसा भी होता है, सिविल सब भी होता है, ये इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। आउट मीन्स बाहर होता है, इन मीन्स अंदर होता है, जैसे किसी रूम के अंदर जाना, किसी रूम से बाहर आना। एग्जिट भी बाहर होता है और इन भी अंदर होता है। ग्लूमी उदास होता है, सैड दुखी होता है, अपसेट उदास होता है। मैट एक तरीके से चटाई होता है, और मैट जो है मिलना होता है, मीट की सेकेंड फॉर्म होता है, याद रखेंगे। डिफर मीन्स होता है भिन्न, और इसी से बनेगा डिफरेंस, भिन्न होता है। और डिफर मीन्स होता है आदर, और डिफरेंस मीन्स होता है आदर, ठीक है। एग्जाम के इम्पोर्टेंट बड़े प्यारे से वर्ड्स हैं डिफरेंस और डिफरेंस, यहाँ पे याद रखना। इनकी उत्पत्ति हो रही है डिफर से और डिफरेंस से। डिफर मीन्स होता है आदर, डिफर मीन्स होता है भिन्न, यहीं से नाउन बनेगा डिफरेंस और डिफरेंस। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम में इनडिफरेंट के बाद टू आता है, ये भी पूछा जाता है। यहाँ प्रीपोजिशन की एक तरीके से ना एरर बनता है, ठीक है। उसके बाद में ये ग्लूमी वाला वर्ड भी पूछ लिया जाता है, है ना। उसके बाद में सिविल अनसिविल तो आ ही गया, विगोरस बहुत पूछा जाता है, प्लेजर एनर्जेटिक पूछा जाता है, एंथुजियास्टिक भी पूछा जाता है, जेलस का भी आता है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ऐसे सी में इन वर्ड्स में से बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेंगे, और इंग्लिश के हर एग्ज़ाम में, एवरी एग्ज़ाम में ये वर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे, ओके। आइए कुछ एक्स्ट्रा रूल्स आपके सामने लेकर के आते हैं, और उनको बड़ी डिटेल के साथ में हम स्टडी करेंगे। सो आइए मेरे साथ अब रूल नंबर वन की मैं बात करूँगा आपसे। रूल नंबर वन क्या कहता है देखिए, आज जानिएगा। देखो जनरली हम किसी भी सेंटेंस को हम जब अफर्मेटिव होता है तो उसको हम नेगेटिव जब बनाते हैं ना, तो उसमें नोट तो लगा, नोट का यूज़ तो करते हैं, बट उसका कभी कभी एंटोनिम का यूज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए नंबर एक नॉट, एंड नंबर सेकेंड एंटोनिम का यूज़ करते हैं, एंटोनिम का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देता हूँ, जैसे ही इज एन एक्टिव स्टूडेंट, ओके। आपका सेंटेंस हुआ कि ही इज़ एन एक्टिव स्टूडेंट, यानी कि वह बहुत एक्टिव है। एक्टिव पर्सन है मतलब बहुत ज़्यादा
मतलब एक्टिव स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखो एक्टिव का अपोजिट क्या होगा ये सोचो, एक पल के लिए सोचो, सोच रहे हो ना, ठीक है। जैसे ही इज, पहली बात नॉट का यूज होगा, नॉट एन, अब यहाँ पे एन है तो एन तो एक्टिव की वजह से आ रहा था ना, लेकिन अब यहाँ पर क्या आएगा, एक्टिव का अपोजिट क्या होगा, पैसिव होगा, पैसिव होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा, समझ आ गया ना। लेकिन यहाँ पे एन की जगह क्या हो जाएगा, ए का इस्तेमाल हो जाएगा, ओके। ही इज नॉट ए पैसिव स्टूडेंट, यानी कि वह एक पैसिव स्टूडेंट नहीं है बल्कि वह एक एक्टिव स्टूडेंट है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये आपका निगेटिव हुआ और ये आपका अफर्मेटिव हुआ। और ये आपका नेगेटिव हुआ, ओके। तो दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं, ए सेंटेंस और बी सेंटेंस में हमने डिफरेंस को फाइंड कर लिया कि ही इज एन एक्टिव स्टूडेंट और ही इज नॉट पैसिव स्टूडेंट, ही इज नॉट ए पैसिव स्टूडेंट। वो दोनों, आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी, ठीक है। रूल नंबर सेकेंड, they should not make noise in the class okay ना। यहाँ से हमें एरर फाइंड करना है। सपोज अगर आपने एरर यहाँ से बता दिया तो मैं समझ लूँगा कि यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक हैं और आप डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बता दीजिएगा एरर क्या होगा आपके पास, ठीक है। आई होप ओके ना। तो नेक्स्ट वर्ड देखें, मैं फिर से आपको कुछ यहाँ पर रूल नंबर, पहले आप यहाँ पर थोड़े चलते हैं ना, इसको बता दीजिएगा। तो दे शुड नॉट मैक नॉइज इन द क्लास, नो एरर। तो देखो मैक के बाद में क्या यूज़ होगा, ए का इस्तेमाल होगा ना, किसका यूज़ होगा, ए का यूज़ होगा। तो देखो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होगा, ए का यूज़ होगा। तो एरर कहाँ पे बना, यहाँ पर बना। तो दे शुड नॉट, बिल्कुल ठीक है, शुड है, मॉडल वर्ब है, के बाद में वी की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी नॉट है, नॉट के बाद वी की फर्स्ट फॉर्म है, मैक ए नॉइज़ इन द क्लास, नो एरर। तो अब यहाँ पर हमने जान लिया, अब हमने लर्न कर लिया कि कुछ जो एक तरह से एक तरीके से कुछ वर्ब्स है जो अपने साथ में ए लेकर के आती हैं, जैसे जैसे पहली बात तो यहाँ पर आई गया है कि मैक ए नॉइज, मैक ए नॉइज इन ए हरी, हरी हैव ए टेस्ट, हैव ए टेस्ट, ओके ना, हैव ए टेस्ट, हैव ए पिटी, हैव ए पिटी, हैव ए पिटी एटसेट्रा, ओके। आपको ये ना ये चीज़ें याद रखनी है कि पिटी से पहले ए आएगा, टेस्ट से पहले ए आएगा, और नॉइज से पहले ए आएगा, और आवर से पहले ए आएगा। ये आप कहाँ स्टडी करेंगे, ये आप आर्टिकल वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड ना। तो नॉइज से पहले, हरी से पहले, टेस्ट से पहले, और पिटी से पहले, और किस से पहले करेंगे, आप ही कमेंट में मेरे को ज़रूर सेंड करें, ज़रूर राइट करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आप मेरे को बिल्कुल कमेंट करें, जहाँ भी आपको कुछ भी एरर लगता है तो आप प्लीज़ उसको राइट करें, ठीक है, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके लिए इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और एक बार से फिर से मेरे साथ देखो, अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए सबसे पहली बात आपको नोट लगाना होगा, सेकेंड बात एंटोनिम का यूज़ करना होगा, ही इज़ एन एक्टिव स्टूडेंट या ही इज़ नॉट ए पैसिव स्टूडेंट। दे, यहाँ से दोनों बात क्लियर हो गई, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और सेकेंड वाला निगेटिव। दे शुड नॉट मैक अ डैश मैक नॉइज इन द क्लास, नो एरर।
तो जनरली देखो ये सेंटेंस है ए बी सी एंड डी इस पार्ट में, ठीक है। तो दे के साथ शुड आएगा, आ जाएगा, नॉट आएगा, आएगा, क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब है और ये निगेटिव एक्सप्रेशन दे रहा है, और शुड के बाद आएगा, शुड क्या है? मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब सारी अपने साथ में वी की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, तो मैक यहाँ पर वी की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो जब नॉट के बाद में मैक का इस्तेमाल हो रहा है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब नॉइज़ जो आ रहा है वो पेयर के साथ आएगा, यानी विद आर्टिकल आएगा, और आर्टिकल कौन सा आएगा? इनडेफिनिट आर्टिकल आएगा। और कौन सा वाला? ए का इस्तेमाल होगा, ना कि एन का यूज़ होगा। मैक ए नॉइज़, मैक ए नॉइज़ इन द क्लास नॉयरर। ओके, तो अब हमने यहाँ लर्न कर लिया कि मैक ए नॉइज़, हैव ए टेस्ट, इन ए हरी, हैव ए पिटी, अपने साथ प्रॉपर तरीके से आर्टिकल ए का इस्तेमाल लेकर के आएंगे। ओके, और हमें इनका इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर यहाँ पर हमने ए नहीं लगाया था तो सेंटेंस में एरर हो गया, ए लगा दिया सेंटेंस ठीक हो गया। तो आपको बी का इस्तेमाल, यहाँ पे बी में एरर है तो बी को मैंने को राइट करना। आई होप मेरी ये बातें आपको समझ में अच्छे से आ रही हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रूल के अंदर। जी नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। रूल नंबर नेक्स्ट, क्या आप मेरे को लुक फॉर का मीनिंग जानते हैं आप? ओके, नहीं। देखो लुक को फिर से उठा लीजिएगा, लुक डाउन आ गया, लुक डाउन, ठीक है। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, और लुक इनटू और लगा दीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं, लुक इनटू लगा दीजिएगा। ओ हो, चलिए ना, लुक अप और, लुक अप और ऐड कर दीजिएगा इसमें को, लुक अप और ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, लुक अप और ऐड कर दीजिएगा। लेकिन 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 आप कह रहे हो सर ऑन ऑन लगा दीजिएगा, चलिए मैंने लगा दिया यहाँ पर, ऑन भी मैंने लगाया। चलिए अब इनके बारे में मैं आपसे डिस्कशन अच्छे से करूँगा, ठीक है, चलिएगा। इस पहली बात मैं जनरली आपको ये बता देता हूँ कि फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब है, और इन्हें कहते हैं फ्रेजल वर्ब। लुक फॉर, लुक फॉर का मीनिंग होता है तलाश करना, लुक फॉर का मीनिंग होता है खोजना या तलाश करना, सर्च करना। लुक डाउन, लुक डाउन भी एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मीनिंग होता है घृणा करना, इसका मीनिंग होता है घृणा करना। लुक डाउन का मीनिंग क्या होता है? घृणा करना। लुक इनटू का मीनिंग क्या होता है? मामले की जांच करना, मामले की जांच करना, मामले की जांच करना। लुक अप का मीनिंग क्या होता है? शब्द को ढूंढना, शब्द को ढूंढना, शब्द को ढूंढना। लुक ऑन का मीनिंग क्या होता है? दर्शक बनकर देखना, देखना, दर्शक बनकर। आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल, यू शुड लुक फॉर योर बुक। ओके, देखो जनरली आपको अपनी बुक की तलाश करनी चाहिए, आपको अपनी बुक खोजनी चाहिए, ठीक है। ये सेंटेंस आपका बन गया, ठीक है। द रिच शुड नॉट लुक डाउन द पुअर। इट मीन्स ये हुआ कि देखो धनी लोगों को गरीब लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए, राइट? आई होप यहाँ भी क्लियर हो गया, समझ आ गया, और यहाँ भी समझ आ गया। ओके, लुक इन टू मामले की जांच करना। द पुलिस शुड लुक इन टू द मैटर। ओके ना, इट मीन्स ये हुआ कि पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिए, अंडरस्टैंड ना। लुक इनटू का मतलब जांच करना। ओके, लुक अप शब्द को ढूंढना। माय टीचर ऑलवेज लुक्स अप
द वर्ड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, लिख दूँ, ठीक है, समझ लीजिएगा. लुकअप द वर्ड इन द डिक्शनरी. ओके, इट मीन्स ये हुआ कि मेरे टीचर हमेशा डिक्शनरी में वर्ड की तलाश करते हैं, खोजते हैं, राइट. नेक्स्ट, लुक ऑन. मैनी पीपल लुक ऑन द प्रोग्राम. प्रोग्राम इन द स्कूल फील्ड. स्कूल फील्ड, राइट. देखो दोनों चीज़ें आपको अच्छे समझ आ गई ना मेरे साथ. एक बार देखो लुक फॉर का मीनिंग होता है खोजना. खोजने का मतलब क्या होता है? तलाश करना होता है. जैसे यू शुड लुक फॉर योर बुक. आपको अपनी बुक की तलाश करनी चाहिए या खोजनी चाहिए. लुक डाउन, घृणा करना. द रिच शुड नॉट हेट या शुड नॉट लुक डाउन द पुअर. यानी धनी लोगों को गरीब लोगों की से घृणा नहीं करनी चाहिए. लुक इन टू, मामले की जाँच करना. द पुलिस शुड लुक इन टू द मैटर. यानी पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिए. लुक अप शब्द को ढूंढना. द टीचर ऑलवेज लुक्स अप द वर्ड. टीचर हमेशा शब्द को तलाश करते हैं डिक्शनरी में. या लुक ऑन, देखना, दर्शक बनकर देखना. इसका मीनिंग यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है. इसका मीनिंग यहाँ है. और मैनी पीपल लुक ऑन द प्रोग्राम इन द स्कूल फील्ड. यानी कि बहुत सारे लोग, कई लोग खेत के, मतलब स्कूल के मैदान में कार्यक्रम को देखते हैं, ठीक है. इस तरीके से ना, देर आर सो मेनी वर्ड्स एज ए फ्रेजल वर्ब के साथ मैंने आपको दिए हैं. और आई होप दीज फ्रेजल वर्ब्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स एज रिलेटेड ऑफ योर एग्ज़ाम से रिलेटेड है. आई होप ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है. नेक्स्ट, सो देखो अब आप क्या है इस वर्ड का मीनिंग जानते हैं? नहीं जानते हैं ना. चलिए मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आपको इस वर्ड का मीनिंग भी अच्छे से सिखा दूंगा. कैसे? जैसे मान लीजिएगा जीरो, पहला वर्ड है जीरो, ये एक नाउन है. और इसका मीनिंग क्या होता है? जीरो या शून्य, है ना. वेरी गुड, शून्य होता है मतलब. और शून्य की जो खोज की थी वो आर्यभट्ट जी ने की थी इन मैथमेटिक्स के अंदर. लेकिन ठीक है, जीरो का मीनिंग होता है शून्य. ओके, हाँ. उसके बाद में क्या होता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए जोन, ठीक है. ये भी एक है और नाउन है और इसका मीनिंग होता है क्षेत्र, है ना. जोन का मीनिंग क्या होता है? क्षेत्र होता है, एरिया जिसे आप बोलते हैं, ठीक है. ठीक है, उसी के साथ में देखो अगला वर्ड आ रहा है जू. ये भी नाउन है और इसका मीनिंग होता है चिड़ियाघर. क्या होता है? चिड़ियाघर होता है. इसका मीनिंग क्या होता है? चिड़ियाघर होता है. जू का मीनिंग चिड़ियाघर होता है. अब देखो आपको ना सिर्फ लॉजी लगा देना इसमें. क्या लगा देना? लॉजी लगा देना. एग्जाम्पल जैसे जू लॉजी, है ना. जू, तो जू का मीनिंग क्या हुआ? चिड़िया. और लॉजी का मीनिंग क्या हुआ? अध्ययन. तो चिड़ियाघर. या तो जूलॉजी का मीनिंग क्या होता? जंतु विज्ञान. क्या होता है? क्या होता है? जंतु विज्ञान. और ये क्या है? एक तरह से नाउन है. क्या है मेरे साथ बोलो? नाउन है. अच्छा रुकिए, एक आपके माइंड में चल रहा होगा सर एक जियोलॉजी दूसरा भी तो होता है. बिल्कुल होता है. देखो ये रहा जियोलॉजी, है ना. ये रहा, तो देखो ये जियोलॉजी क्या होता है? ये होता है भूविज्ञान. क्या होता है? भूविज्ञान या ठीक है विज्ञान. इसका मतलब क्या हुआ कि भूशास्त्र, यानी कि जो भूगोल होता है ना, जियोलॉजी. इसी से बनेगा जियोग्राफी. तो ये भी नाउन है और इसका मीनिंग होता है भूगोल, है ना. मेरे साथ बोलो, ठीक है. इट मीन्स ये हुआ कि देखो जूलॉजी हुआ. अब एक रुक मत रुक जाइएगा, रुकिए. अब यहाँ पे आपको जूम का वर्ड इस्तेमाल करना है. जूम करना,
ये मतलब क्या होता है, एक तरीके से एडजेक्टिव होता है और वर्ब भी होता है, मतलब बड़ा करना, बड़ा करना, है ना, बड़ा करना, ठीक है। जूम, देखो ज़ीरो का मतलब क्या होता है, शून्य, ठीक है। ज़ीरो इज़ ए ज़ीरो इज़ ए नंबर, ओके। ज़ीरो क्या है, एक संख्या है, ओके ना, ठीक है। जोन, ऑलवेज लिव फॉर दिस जोन, इट मीन्स ये हुआ कि हमेशा इस जोन से दूर रहो, ओके। जू, जू का मीनिंग होता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। आई सा द जूलॉजी कल गार्डन, ओके ना, आई सा द जूलॉजिकल गार्डन। और जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पर है, इंडिया का सबसे बड़ा जूलॉजिकल गार्डन है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल कोलकाता में, ठीक है। जूलॉजी जंतु विज्ञान, ठीक है। अरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी, राइट ना। इट मीन्स ये हुआ कि अरिस्टोटल जो है वो जूलॉजी के फादर कहे जाते हैं, जूलॉजी के फादर कहे जाता है, किसको, अरिस्टोटल को। जूलॉजी भूविज्ञान, जूलॉजी इज ए सब्जेक्ट, ओके। जूलॉजी क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। ज्योग्राफी, शी हैज पास्ड इन ज्योग्राफी, शी हैज पास्ड इन ज्योग्राफी, ओके। यहाँ पे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ पे डाउट जा रहा है, क्या आप यहाँ पर एट लगाएंगे या इन लगाएंगे, आप प्लीज मेरे को कमेंट में बताएंगे। जूम करना मतलब बड़ा करना, प्लीज जूम दिस पिक्चर, दिस फोटो, ओके ना। जूम, जूम, प्लीज जूम दिस फोटो, कृपया करके इस फोटो को थोड़ा सा जूम करें आप, ओके ना। सो मेरे साथ देखिए, देखो जीरो मीन्स क्या होता है, शून्य होता है। जीरो इज ए नंबर है, आई कैन से हियर। जोन मतलब क्षेत्र, ऑलवेज लिव फॉर दिस जोन, मतलब हमेशा इस जोन से दूर रहिएगा। जूम इज चिड़ियाघर, आई सा द जूलॉजिकल गार्डन, ओके। जूलॉजी इज जंतु विज्ञान, अरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी, और जियोलॉजी भूविज्ञान, जियोलॉजी इज ए सब्जेक्ट है, ठीक है। ज्योग्राफी, शी हैज पास्ड इन ज्योग्राफी या एट ज्योग्राफी। जूम बड़ा करना, प्लीज़ जूम दिस फोटो, प्लीज़ कृपया करके इस फोटो को ना जूम करें। देखो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।